दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ई पंचायत डिजिटल पंचायत। हमारे आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यदि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते समय अमाउंट गलत लिखा जाता है, उसमें कोई करेक्शन करना है तो उसे हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाएंगे। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाने के बाद एडमिन अप्रूवल में जाएंगे, देन मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद थोड़े देर वेट कर लेंगे कि जब तक हमारे सामने सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएं। इसके बाद एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क सेलेक्ट करेंगे। पब्लिक वर्क सेलेक्ट करने के बाद गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने उन सारे एक्टिविटीज़ के लिस्ट आ जाएंगे जिनका हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है। तो जिसका हमें एडिट करना है उसके मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और देन ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद उस एक्टिविटी का डिटेल ओपन होकर के सामने आ जाता है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एडिट फंड एलोकेशन डिटेल के पास। अब यहाँ पे हमें चूंकि अमाउंट को एडिट करना है, अमाउंट मेरा गलत लिखा गया है, 6 लाख के जगह पे 6,01,500 लिखना था, तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। करेक्ट करने के बाद हमारा टोटल एलोकेशन अमाउंट में भी सही आ गया। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मॉडिफाई हो गया। अब यदि हम चाहें तो मेकर लॉगिन करके इसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मेकर का लॉगिन करेंगे। तो चलिए मेकर लॉगिन करके देखते हैं। मेकर लॉगिन करने के बाद जो हमारा पेमेंट वाउचर है उसे हम बनाएंगे और वहाँ पे देख लेंगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में जो अमाउंट पहले था वो अब बढ़ के आ रहा है कि नहीं। जिस तरह से पेमेंट वाउचर अपना हम क्रिएट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे पेमेंट वाउचर हम क्रिएट कर रहे हैं। नेचर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर सेलेक्ट किए, इसके बाद जिस एक्टिविटी के अंतर्गत पेमेंट करना है उस एक्टिविटी को सेलेक्ट किए, देन स्कीम पर टिक आउट किए और स्कीम नेम में 15th फाइनेंस कमीशन सेलेक्ट किए। अकाउंट हेड पर क्लिक किए, स्मार्ट सर्च पर क्लिक किए और अकाउंट हेड चूँकि टाइड में पेमेंट करना है तो टाइड सेलेक्ट किए। इसके बाद मेजर हेड सेलेक्ट किए, माइनर हेड सेलेक्ट किए, FFC PFMS हेड को सेलेक्ट किए, ऑब्जेक्ट हेड को सिलेक्ट किए। अब जैसा कि आप नीचे वर्क डिटेल में देख पा रहे होंगे, अवेलेबल बैलेंस में जो कि हमारा पहले 6 लाख दिखता था वो अब 6,01,500 दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा